إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ الغلام كماله كشفت جاب جماله حسنت جليل لسانه صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد غفر القبر لا يمكن الكلام كما كان حبه بعد الصلاة زرت إليك السبت سبع صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة السلام عليك يا سيدي يا رب العالمين وعلى آله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. यह महीना रबीउल सानी का महीना है और आज रबीउल सानी की 11 तारीख है। इस माह मुबारका की 11 तारीख को पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके यौमे विसाल है कि जो लोग कहते हैं 11वीं शरीफ का कदम दिलवाते हैं वो किस नस्बत से दिलवाते हैं कि इस महीने की 11 तारीख को हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह आपका विसाल है और वो आपके उर्स के तौर पर 11 तारीख को रबीउल सानी में बड़ी 11वीं शरीफ कही जाती है। बाकी हर महीने 11 तारीख को जो कदम दिलवाते हैं वो आपकी नस्बत से दिलवाते हैं। हजूर उस्मान रहमतुल्लाह अलैह आप मादज़ात अल्लाह के वली थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ही शानों से नवाजा। मैंने आपके सामने जो आयत मुबारका तिलावत की इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि खबरदार अल्लाह के वलियों पर अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है ना कोई गमगीन हो। अल्लज़ीना आमनू वकानू कि वो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए कि ना वो दुनिया में खौफज़दा होंगे ना आखिरत में उन पर कोई खौफ होगा। अल्लाह का वली होता कौन है उसकी क्या शान है हदीस कुर्सी है रब ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है कि जो फ़राइज़ हैं वो तो अदा करता है फ़र्ज के अलावा नफली इबादत इतनी करता है कि वो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है और जब वो मुझसे सवाल करे मुझसे मांगे तो मैं उसको अदा करता हूँ। ये हदीस कुदसी है रब ताला फरमाता है कि जब अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह का वली अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि रब की बारगाह में अगर वो हाथ उठा दे कुछ मांग ले तो अल्लाह उसको अता फरमाता है। तो इसीलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में ये सिफारिश की जाती है, उनका वसीला पेश करके रब की बारगाह में की दुआ की जाती है कि अल्लाह अपने प्यारों की बरकत से अता फरमाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में एक शख्स था कि उसने 99 कत्ल किए अब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि तौबा करूँ, तो उसने उस वक्त के सबसे बड़े आलिम सबसे बड़े पादरी जो था उसके बारे में पूछा। जब उसको बताया गया तो वो उस राहिब के पास उस पादरी के पास हाजिर हुआ, उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं तौबा कर लूँ तो क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो उस राहिब ने आगे से कहा नहीं, तुम्हारी तौबा नहीं कबूल हो सकती। तो उस शख्स ने उसको भी कत्ल कर दिया, अब पूरे 100 कत्ल हो गए। तो फिर कुछ अर्से के बाद उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह की बारगाह में तौबा की जाए। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं पहली उम्मतों का वाकया। तो जब उसने 100 कत्ल कर लिए फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं, तो उसने उस वक्त के सबसे बड़े राहिब के बारे में आलिम के बारे में पूछा। जब उसको पता बताया गया उसके पास हाजिर हुआ और उसने जाके उससे कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूं तो क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है?
तो आगे से उसने कहा कि भला तेरी तोबा के दरमियान कौन मायल हो सकता है, तो अल्लाह से तोबा कर, फलां नेकों की बस्ती है वहाँ चला जा, नेकों के पास रह, अल्लाह का जिक्र कर, तोबा कर, अल्लाह तेरी तोबा कबूल कर लेगा और वहाँ से वापस ना आना। तो वहाँ से वो इरादा करके उस नेकों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। नेकों की बस्ती की तरफ जा रहा था, अल्लाह के बलियों की तरफ जा रहा था कि रास्ता के अंदर उसको मौत आ गई। तो जब उसको मौत आ गई, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नुम के फरिश्ते भी आ गए। दोनों आपस में कहने लगे, जन्नत वाले के हम लेकर जाएंगे, जहन्नुम वाले हम लेकर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को बतौर सालिस के उनके दरमियान फैसला करने के लिए अल्लाह ने भेज दिया। तो जब उस फरिश्ते ने कहा कि तुम इस शख्स का जो फासला है नाम कि जहाँ से ये चला है, अगर ये नेकों की बस्ती के करीब है तो ये उनमें शुमार किया जाएगा, अगर ये नेकों की बस्ती से दूर है जहाँ से चला है, अगर उधर करीब है तो उनमें शुमार किया जाएगा। तो जब फरिश्तों ने उस जमीन को नापा तो सिर्फ एक बालिश्त, एक गिट, एक बालिश्त वो नेकों की बस्ती के करीब था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नत अता फरमा दी कि ये अल्लाह के वलियों की निस्बत थी, अल्लाह के वलियों का बयान था कि वो उस नेकों की बस्ती की तरफ चला, अल्लाह के वलियों की तरफ चला, सिर्फ एक बालिश्त वो उनके करीब था, अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमा दी। ये वाकया हुजूर ने पहली उम्मतों का बयान फरमाया, तो जो अल्लाह के वली होते हैं अगर उससे प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, तो अल्लाह पाक के कायनात उनकी बरकत से उसी रहमतें बरकतें अता फरमाता है और इंसान की आखिरत भी सवर जाती है। हुजूर मौसी पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप अल्लाह के मादरजात वली थे कि जब आप पैदा हुए, यकम रमज़ान मुबारक था, रमज़ान का महीना था, और लोगों ने सुना, आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जब आपकी विलादत हुई तो आपके जो होंठ थे हरकत कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आ रही थी अल्लाह अल्लाह। और जब आपकी वालिदा फरमाती हैं कि रमज़ान मुबारक में जब मेरे बेटे की विलादत हुई, सुबह सादिक तुलू हो चुकी थी कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, फजर की अज़ान शुरू हो जाती है, कि सुबह सादिक के वक्त जब मेरे इस बच्चे की विलादत हुई तो मैंने लाख कोशिश की इसको दूध पिलाने की, लेकिन इसने दूध नहीं पिया। और जब फिर सहरी का वक्त जो सारा दिन गुजर गया, इफ्तारी का वक्त आया, तो उस वक्त इसने दूध पिया। होया हुजूर मौसी पाक रहमतुल्लाह अलैह, जब आप पैदा हुए तो उसी वक्त आपने रोज़ा रख लिया और यही पूरा महीना आपका मामूल रहा कि सहरी से पहले पहले आप दूध पीते, इफ्तारी के वक्त पीते, दिन भर आप दूध भी ना पीते थे। और लोगों को भी इस बात का इल्म हो गया। तो आइंदा साल में कुछ इस तरह हुआ कि मौसम थोड़ा सा गर्द अलूर था, अपर अलूर था कि बादल छाए हुए थे, चांद का पता नहीं चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि देखो अब्दुल कादिर को, कि सुबह देखो अगर अब्दुल कादिर ने दिन के वक्त दूध पी लिया तो इसका मतलब है कि ये रमज़ान शुरू नहीं हुआ, अगर अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया तो समझ लेना कि आज रोज़ा है। तो अगले दिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने, आपने दूध नहीं पिया, तो लोगों ने कहा कि रमज़ान शुरू हो चुका है। तो फिर कुछ दिन के बाद जब तहकीक की गई, गिरदो नवाज से शहादतें आईं, तो वाकई पता चला कि उस दिन रोज़ा था। अब्दुल मौसी पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप जब पैदा हुए तो उस वक्त ही आपने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। और आपकी एक करामत कि जब आपकी वालिदा ने बुजुर्ग के पास आपको पेश किया कि मदरसा में दाखिल करवाया कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए, तो जब कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो हुज़ूर मौसी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा अलिफ लाम मीम पढ़ते रहे यहाँ तक कि 18 सिपारे आपने पढ़ दिए। तो उस कारी ने कहा बेटा आगे भी पढ़ो, इतना तो पढ़ लिया। तो आपने फरमाया मेरी वालिदा को इतना ही याद था कि मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी वालिदा तिलावत करती रहती थी, मेरी वालिदा मुझे दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती रहती थी, उसको ये 18 सिपारे याद थे, मैंने उसको याद कर लिए। अगर माएँ नेक हों तो बच्चों पर असर होता है, फिर बच्चे भी मौसी पाक रहमतुल्लाह अलैह जैसे होते हैं। बाबा फरीद की वालिदा से किसी ने कहा कि तेरा बेटा जो बेटा है बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, हमारे बच्चे भी हैं, बड़ी शरारतें करते हैं, लेकिन इतना फ़र्क क्यों है?
तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा इसमें सारा फरीद का कमाल नहीं, इसमें मेरा कमाल भी है कि मैंने जब भी फरीद को दूध पिलाया है बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, दूध जब भी पिलाती हूँ वजू करके पिलाती हूँ। तो ये बच्चों पर इसका असर होता है। वो सिफात रहमतुल्लाह अलैह 18 सपारे आपने अपनी माँ की गोद में याद कर लिए। और वो सिफात रहमतुल्लाह अलैह जब आप बचपन में खेलने लगते गैब से आवाज़ आती है अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए तो नहीं पैदा किया। और हुज़ूर वसी पाक रहमतुल्लाह ने बचपन में जब मदरसा की तरफ जाते तो गैब से आवाज़ आती कि अल्लाह के वली के लिए रास्ता छोड़ दो। हुज़ूर वसी पाक रहमतुल्लाह ने आपके बचपन का एक मशहूर वाक़या है जो बच्चे भी अपनी क्लासों में पढ़ते हैं अब्दुल कादिर के नाम से, कि एक बच्चा जब उसने अपनी माँ से इजाज़त दी कि मैंने इल्म हासिल करना है, माँ ने उसको इजाज़त दे दी और उसके कुर्ते के अंदर 40 दिनार वो सी लिए और जाते हुए बेटे को नसीहत की बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। तो हुज़ूर वसे पाक रहमतुल्लाह ने, ये वही हुज़ूर वसे पाक ही हैं जिनका ये वाक़या तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं, जब वो बच्चा अब्दुल कादिर बगदाद की तरफ रवाना हुआ काफिले में जा रहा था, डाकुओं ने उस काफिले को घेर लिया, सबका सामान लूट लिया। एक डाकू आपके पास आया, इनसे पूछा बच्चे तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। उसने तलाशी ली लेकिन नहीं मिले, तो उसने कहा मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है, मेरी माँ ने मेरे कुर्ते में सी दिए हैं। तो वो उस बच्चे को अपना जो सरदार था उसके पास ले गए। जब सरदार ने पूछा तो आपने फिर वही बात बयान की, तो उसने निकाला देखा तो बाकी उसमें 40 दिनार थे। तो डाकू के सरदार ने कहा कि तू अगर छुपाना चाह तो छुपा सकता था, हमें तो पता नहीं था, लेकिन तूने क्यों बताया? तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिनानी रहमतुल्लाह ने आपने फरमाया कि जब मैं चला था तो मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, तो मैं इन 40 दिनार की खातिर अपनी माँ की वसीयतों को नहीं रद्द कर सकता, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। तो आपने झूठ नहीं बोला बल्कि बता दी मेरे पास 40 दिनार। तो आपकी इस बात का उस डाकू पर इस कदर असर हुआ कि उसी वक्त सारे तायब हो गए और सारे काफिले का जो सामान था वो वापस कर दिए। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने आपकी ये शान है। हुज़ूर वसे पाक रहमतुल्लाह ने जब आप बाज़ों नसीहत फरमाते कि लाखों का मजमा सैकड़ों की तादाद में लोग होते, ये आपकी करामत थी कि आप बगैर स्पीकर के गुफ्तगू करते और जैसी आवाज़ सामने बैठे वाले को आ रही होती वैसी मुआकिब में बैठे उसे आवाज़ आ रही होती, और सैकड़ों की तादाद में आपके मजमे में लोग जमा होते। और हुज़ूर से पाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 500 से जायद मैंने यहूदियों और ईसाइयों को इस्लाम कबूल करवाया और लाखों लोगों ने मेरे हाथ पर, फासिक और फाजिर लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की। हुज़ूर से पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो करामात हैं बेशुमार हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं वो करामत का इनकार करने लग जाते हैं, हालांकि करामत का इनकार नहीं है, कुरान करीम में भी करामत को जिक्र किया गया है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है तो सबसे बेहतरीन उम्मत है। आओ कुरान में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आपने दावत दी मलका बिलकिस को इस्लाम की तरफ, उसको दावत दी तो वो अपने जो यमन उसका इलाका था उससे चल पड़ी मुल्क शाम की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में थे तो वो अपना काफिला लेकर जब मलका बिलकिस यमन से चली तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में जिन्नात भी हाजिर होते थे, चरिंद परिंद भी हाजिर होते थे। तो आपने अपनी मजलिस में कहा कि कौन है जो मलका बिलकिस का तख्त लेकर आएगा? तो एक जिन, ये कुरान में सारा वाक़या है, तो एक जिन ने कहा कि मैं वो लेकर आऊँगा। तो आपने कहा मैं कितनी देर में लेकर आऊँ? तो उसने कहा कि जो आपकी मजलिस लगी हुई है इसके बर्खास्त होने से पहले पहले। तो आपने फरमाया इससे भी पहले चाहिए। तो एक अल्लाह का वली आसिफ बिन बरकिया जो आपके दरबार में हाजिर था, तो उन्होंने कहा कि मैं ले आऊँगा। फरमाया कितनी देर में? कहा कि पलक झपकने से भी पहले। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी ही थी कि दर्द सामने हाजिर था। तो ये अल्लाह के वली की शान है, ये अल्लाह ताला ने अपने वली को करामत अता फरमाई है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शाम में हैं और मुल्के यमन के अंदर वो तख्त है कि इतने मील का फासला है,
वहाँ से तख्त हजरत आसिफ बिन बरखिया ने, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली है, सैकड़ों मील के फासले से वो तख्त जिसको 80 बंदे भी उठाना चाहे नहीं उठा सकते थे, आपने पलक झपकने में इतनी दूर से वो तख्त सामने हाजिर कर दिया। तो ये तो कुरान में वाकया मौजूद है कि जो अल्लाह के वली की करामत है कि वो कुरान करीम में उसका जिक्र मौजूद है।